प्लीज सब्सक्राइब करिए इंडेक्स गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए जैसे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। सावधान, धूम्रपान करने से कर्क रोग हो सकता है। सिगरेट और कैंसर की बहुत पुरानी दोस्ती है, ये बात सब जानते हैं। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है। धूम्रपान नहीं करने से भी कर्क रोग हो सकता है। लेकिन अब हमारे आसपास की हवा भी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि वो कैंसर का शिकार बना सकती है। आपके घर के आसपास फैक्ट्रियों की भरमार, शहर की हवा में घुले हुए प्रदूषण के जहरीले कण इसके सबसे बड़े कारण हैं। अगर आपका आशियाना सड़क के किनारे है जहां से बहुत सी गाड़ियां गुजरती हैं, तो सावधान हो जाइए क्योंकि आप फेफड़ों के कैंसर के शिकार हो सकते हैं। घर के पास कूड़े के ढेर से ढकी छत, साथ में बिजली विभाग का ट्रांसफॉर्मर, गलियों में खुली नालियां और गंदगी का अंबार, देश की राजधानी का ये भजनपुरा इलाका है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण के जहर के साथ साथ इलाके की गंदगी के जहर ने भजनपुरा इलाके में ऐसा जानलेवा कॉकटेल तैयार किया है कि 26 साल के अच्छे भले इंसान को फेफड़ों का कैंसर हो गया। अब नदीम का जिंदगी से सवाल है कि उसने कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पी, फिर उसे ये बीमारी कैसे हो गई? आप सिगरेट नहीं पीते, आपको क्या लगता है जो आसपास का इलाका है, जो एनवायरनमेंट है, जो हवा है दिल्ली की, वो कितनी जिम्मेदार रही होगी कि ये हालात हो? एक्चुअली मैम, आप देख रहे हो कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा है आसपास में, कूड़े के छट्टे पड़े रहते हैं और कई कई दिन तक पड़े रहते हैं, इन्हें कोई सफाई करने वाला नहीं है। फिर प्लस यहाँ लोग क्या नाम है, आग जला देते हैं, आग जलाने के बाद उसे वो करते हैं तो उसका धुआं उठता है, तो उससे पोल्यूशन होता है। और यहाँ आसपास में फैक्ट्रीज भी हैं जिनकी बॉसिंग की, तो उससे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 40 साल के अतुल जैन को जब पता चला कि इन्हें फेफड़ों का कैंसर है, तो इन्होंने मौत को सामने समझकर अपनी पत्नी को उनके बिना रहने की आदत डालने की सलाह दे डाली। लेकिन खुद यही सोचते रहे कि उन्होंने तो कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, फिर उन्हें फेफड़ों का कैंसर कैसे हो गया? मेरे को एकदम शौक हुआ कि ये कैसे हो गया मेरे को, जहाँ से मैं सिगरेट वगैरह धुआं कुछ हाथ ही नहीं लगाया, तो मेरे को शौक हुआ। तो फिर जब मेरे आया कि मैं जब आज़ाद मार्केट जाता था, ऑफिस से थे, वहाँ पे चाइनीज स्मोकर आते थे और वो सिगरेट पीते थे, उस चीज़ से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई हो। 26 साल के माज अली मुरादाबाद में रहते हैं, बस यही इनका कसूर है। माज ने भी अपने डॉक्टर से यही पूछा कि उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, फिर उन्हें लंग कैंसर कैसे हुआ? इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, पॉल्यूशन है इस सब चीज़ का, और ये इसका मेन कॉज यही है, क्योंकि मैं स्मोकर तो था नहीं तो मुझे होता इस तरह। पहले हम लोग इंटीरियर में रहते थे, लेकिन अब एक्सटीरियर पे मैं शिफ्ट हो गए हैं, मतलब शहर से दूर। फेफड़ों के कैंसर की कई बड़ी वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह है सिगरेट, लेकिन सिगरेट ना पीने वाले भी क्यों इस खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं? ये सवाल जब हमने डॉक्टर से पूछा तो उनके जवाब ने हमें डरा दिया। उनकी राय में दिल्ली समेत भारत के बड़े शहरों में कोई भी नॉन स्मोकर नहीं रह पाता, यानी आप न चाहते हुए भी सिगरेट पी रहे हैं। जो हमारे यहाँ एवरेज PM2.5 रहता है वो यूजुअली 200 से ऊपर रहता है, और कुछ ओकेजन्स होते हैं जैसे लास्ट ईयर दिवाली वगैरह के पास, तो वो 1000, 1200, 1500 जाता है। और अगर हम वो बर्कले अर्थ का कन्वर्जन लें कि 22 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1 सिगरेट, तो अगर किसी दिन PM2.5 की मात्रा 250 माइक्रोग्राम है तो वो करीब करीब 12 सिगरेट के बराबर होता है। तो उस दिन इस शहर में रहने वाला हर निवासी, इंक्लूडिंग न्यू बॉर्न्स बीइंग बॉर्न इन द सिटी, वो सब 10-12 सिगरेट पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई नॉन स्मोकर नहीं है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने अपने यहाँ आने वाले फेफड़ों के कैंसर के 150 मरीजों का सर्वे किया। 50% यानी आधे मरीज ऐसे थे जिन्होंने कभी सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू का सेवन नहीं किया। 21% यानी 31 मरीजों की उम्र 50 साल से भी कम थी। इनमें से 5 मरीज तो 30 साल से भी कम उम्र के थे। इनमें से किसी ने कभी भी सिगरेट नहीं पी।
इन मरीजों के एनालिसिस यानी गहन विश्लेषण ने यह भी साफ किया कि ज्यादातर मामलों में एनवायरमेंट यानी वातावरण में मौजूद कारण ही लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए जिम्मेदार रहे। ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 टू 20 इयर्स डेफिनेटली लंग कैंसर के केसेस में इंक्रीज आया है। केसेस आर बीइंग डिस्कवर्ड इन अ यंगर पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन व्हिच वाज प्रीवियसली रिगार्डेड एज नॉन रिस्क पॉपुलेशन सच एज वुमेन स्मोकर्स, सो उनमें केसेस डेफिनेटली काफी इंक्रीज किए गए हैं। IIT दिल्ली और IIT कानपुर की एक स्टडी ये कहते हैं कि नवंबर से मार्च के दौरान सर्दियों में PM10 का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हवा में घुले जानलेवा पार्टिकुलेट मैटर्स फेफड़ों में जम जाते हैं। यानी सिगरेट पीने वालों की तुलना में सिगरेट न पीने वालों के बीच कोई खास फर्क नहीं रह जाता। जब हम सांस लेते हैं तो श्वास के माध्यम से इस बात की बहुत संभावना है कि ये आपके फेफड़े तक जाता है, और वहाँ पे ये पाया जा रहा है कि इससे तमाम तरह के विपरीत प्रभाव श्वास पे पड़ रहे हैं, जो हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में अस्थमा, श्वास रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं। और पिछले साल यह पाया गया कि इस तरह के जो कण हैं वो कैंसर के भी कारण हो सकते हैं। फेफड़ों के कैंसर के पारंपरिक कारण जैसे जरूरत से ज्यादा एक्सरे रेडिएशन के आसपास रहना, बढ़ती उम्र, परिवार में किसी को फेफड़ों की बीमारी और सिगरेट पीने के अलावा अब प्रदूषण, फैक्ट्रियों के पास रहने वाले लोग और जहरीले वाहनों के धुएं के संपर्क में आने वाले लोगों पर इस बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खाना पीना निगलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, लगातार वजन का घटना, सीने में और हड्डी में दर्द, आवाज में बदलाव और खांसी में खून आना। ये वो संकेत हैं जिन्हें वक्त रहते पकड़ लिया जाए तो जिंदगी बचाई भी जा सकती है। फेफड़ों का कैंसर तेजी से फैलता है, लेकिन शुरुआती स्टेज में ही बीमारी पकड़ में आ जाए तो इलाज भी मुमकिन है और जिंदगी भर दवाएं भी नहीं खानी पड़ती। अर्ली स्टेज में पकड़ने का जो सबसे इफेक्टिव तरीका अब तक प्रूव हुआ है वो लो डोज CT स्कैन है। लो डोज क्यों? क्योंकि आम CT जो होता है उसमें करीब 500 से 600 एक्सरेस के बराबर रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो अगर आप किसी का हर साल बार बार इतना एक्सपोजर करेंगे तो उसमें ही इतना रेडिएशन मिल जाएगा कि वो कल को आगे चल के कैंसर का कारण बन सकता है। इसीलिए ये लो डोज प्रपोज किया गया है जिसमें उसकी मात्रा बहुत कम होती है, मतलब 30 से 50 एक्सरेस के बीच में होती है। ये चीज यूरोप में भी चल रही है आजकल, चाइना में ये काफी हद तक यूज होने लगी है। भारत के प्रदूषित शहरों में रह रहे लोगों को हम यही सलाह देंगे कि वार्निंग सिग्नल्स पर ध्यान दें और वक्त रहते चेकअप करवाएं। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये खतरा कई गुना और बढ़ जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली के इन दिनों अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन ये अच्छे दिन इतने कम हैं कि साल भर में दिल्ली में ऐसे अच्छे दिन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। तो दिल्ली समेत अगर आप ऐसे औद्योगिक शहरों में रहते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि आप भले ही सिगरेट नहीं पीते, आप दिन भर में सिर्फ 5 से 8 घंटे बाहर रहने पर 10 से 20 सिगरेट जितना धुआं जरूर फांक लेते हैं। लिहाजा फेफड़ों के कैंसर के खतरे से आप भी आजाद नहीं है। पूजा मकर, जी मीडिया, दिल्ली।